आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत का पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधियों का गिरोह सक्रिय है। गिरोह से जुड़े दो एजेंटों को अजनी पुलिस ने सातारा जिले के कराड़ से गिरफ्तार कर लाया है, जो कि लेन देन तथा लोन की वसूली की आड़ में बदनाम करने की धमकी देकर उगाही करते थे। शनिवार को ही पत्र परिषद में जोन क्रमांक 4 के उपायुक्त नरुल हसन ने प्रकरण में जरूरत पड़ने पर इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी दर्शाई है। आइए देखते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी एजेंटों ने बताया कि विदेश में बैठे साइबर अपराधियों से वह कभी नहीं मिले हैं। उन्हें यह काम करने के लिए 3% कमीशन मिलता है। इसके लिए विदेश से उन्हें रोजाना 25 लोगों को ठगने की सूची नाम और नंबरों के साथ व्हाट्सएप पर आती थी। जनवरी से अब तक प्रति एजेंट 500 से भी ज्यादा लोगों को ठग चुके हैं। उनके खातों में प्रति एजेंट 27 लाख रुपए कमीशन जमा हुए हैं। आरोपी कैफ ऑटो चालक है और इरशाद बेरोजगार है। विदेश में बैठे साइबर अपराधियों के ऐसे कई एजेंट भारत में सक्रिय हैं। आरोपी कैफ इब्राहिम सैयद सोमवार पेट कराड़ जिला सातारा और उसका साथी इरशाद इस्माइल शेख दापोली पुणे निवासी को कराड़ से गिरफ्तार कर लाया गया है। आरोपियों ने 21 वर्षीय युवती के व्हाट्सएप नंबर पर लिंक भेजकर फोक्सलैन एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही उसके खाते में 1200 रुपए जमा हो गए। फिर इसकी रिकवरी के लिए बार बार फोन आने से युवती परेशान हो गई। उसके बाद ब्याज सहित 4400 रुपए बताए गए खाते में ऑनलाइन जमा की। इसके बाद भी रकम मांगने पर देने से इनकार करने पर आरोपियों ने उसका व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया। उसकी अश्लील फोटो तैयार कर मोबाइल में दर्ज नंबरों पर रिश्तेदारों और परिचितों को भेज दी। फोटो वायरल होते ही विभिन्न शहरों से लोगों के फोन आने लगे। बदनामी से त्रस्त युवती परिजनों के साथ जोन क्रमांक 4 के उपायुक्त नरुल हसन से मिली। उसके बाद पुलिस ने लोन और वसूली के लिए जिन नंबरों से फोन आए थे उन आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई, मगर आरोपियों ने युवती को जानने से इनकार कर दिया। गुत्थी सुलझाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली गई। इससे पता चला कि हैकरों ने कुछ लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैक कर हांगकांग, चीन, दुबई आदि स्थानों से फोन किए थे। तकनीकी मदद से पुलिस एजेंटों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर लाई है। आरोपी पुलिस के PCR में है। अजनी पुलिस स्टेशन मध्ये एका महिलेला त्याच्या फोनवर ॲप डाउनलोड करायला लावून त्याच्यात लोन घ्यायला सांगितलं आणि लोनची रिकवरी करायसाठी तिला वारंवार त्रास देऊन तिच्याकडून लोन रिकवरी करायचा प्रयत्न करत होते। या तक्रारीवरून आपल्याकडे एक गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये आता सध्याच्या तपासामध्ये दोन आरोपी निष्पन्न आहेत आणि तपास सुरू आहे। आणि अशा प्रकारचे जे लोनचे ॲप आहे, छोट्या छोट्या प्रकारचे लोन देतात, जास्त 2-4 हजार, 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार असे लोन देतात आणि त्याची रिकवरी करतात ते 7 दिवसाच्या आतमध्ये करायचा प्रयत्न करतात आणि त्या रिकवरीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त व्याज लावून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न सुरू असतो त्यांचा। आणि ते पैसे काढायसाठी तुम्हाला जे लोन घेतात त्यांना ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या धमक्या देतात, त्यांचे फोटो व्हायरल करायची धमकी देतात, त्यांना बदनाम करायची धमकी देतात। तर अशा प्रकारच्या कुठल्याही जे साहेब ऑनलाईन ॲपचे लोनचे ॲप आहेत, ऑनलाईन लोनचे जे ॲप आहेत ते नागरिकांनी डाउनलोड करू नये आणि त्याला बळी पडू नये। आणि त्याचा असं काही तुमच्यासोबत घडलं असेल प्रकरण में क्रिप्टो करेंसी का खेल होने का पुलिस को शक है। यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को भारतीय मुद्रा की जरूरत पड़ती है तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से साइबर अपराधी लेन देन करते होंगे। प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फैलाव होने से ED और इंटरपोल की मदद लिए जाने की संभावना उपायुक्त नरुल हसन ने जताई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।